नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संचिता शुक्ला। कंस्ट्रक्शन कंपनी की मुनीम के साथ दिन दहाड़े हुई 10 लाख की लूट ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस लूट चेन स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन पुलिस की ये कवायद महज खानापूर्ति साबित हो रही है। लूट की वारदात एसपी ऑफिस से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर हुई है, जिसके बाद अब आरोपियों को पकड़ने के दावे किए जा रहे हैं। अपराधी चुस्त पुलिस सुस्त की कहावत, ग्वालियर शहर में अब हकीकत का अंगड़ीजामा पहनती नजर आ रही है। बेखौफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो पुलिस की नाक के नीचे से वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दिन दहाड़े HDFC बैंक के पास कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुनीम के साथ हुई 10 लाख की लूट की। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुनीम लखन शर्मा अपने साथी दीपक के साथ बैंक से बाहर निकले ही थे कि काले रंग की पल्सर पर आए बदमाशों ने उनसे नोटों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। लूट की वारदात एसपी ऑफिस से महज 30 मीटर की दूरी पर हुई, जिसके बाद पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी करने की बात कहती नजर आ रही है। 3 बजे करेक्ट मैं बैंक से कैश लेके निकला, यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, यहाँ और दूसरी गाड़ियाँ थी, यहाँ से ऐसे एक रोज हुए, मेरे साथ में दूसरा लड़का था, एक हमारा ड्राइवर था। तो जैसे मतलब मेरे साथ में मेरा बैग था, मैंने खिड़की खोली, वो दूसरा लड़का दूसरी की खिड़की खोल के बैठने गया, तो पीछे से यहाँ फुटपाथ और गाड़ी के बीच में से मोटरसाइकिल आया बहुत तेज स्पीड में। उन्होंने तुरंत जैसे मेरे यहाँ टच होया, मैं देखा कि है, तो दूसरे लड़के दोनों हाथों से बैग छीन लिया। और गौरतलब है कि पुलिस सघन चेकिंग अभियान चलाकर लूट चेन स्नैचिंग सहित अन्य वारदातों पर अंकुश लगाने का दावा कर रही थी, लेकिन एसपी ऑफिस के पास दिन दहाड़े हुई 10 लाख की लूट ने पुलिस के इन दावों की हवा निकाल दी है। बहरहाल लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से फरार हो गए, तो वहीं पुलिस अब घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने का दावा करती नजर आ रही है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।